बस पिछली बार मैंने आपको स्पाइनल ट्विस्ट आगे से बताया, जिसमें कि बॉडी को घुटने एक तरफ और सर एक तरफ करके ट्विस्ट किया गया। अब मैं पीछे से बताऊंगा, जिससे कि हम मेनली आप जो कार्य करेंगे लंबर पे करेंगे। पहले हमने सर्वाइकल पे कार्य किया, जिसमें कि सर्वाशन भी करेंगे, जिससे कि हम धीरे धीरे पूरी स्पाइन पे कार्य करते जाएंगे। पर मैं आपको शुद्धि क्रिया वगैरह जो हाफ कपाल भाती मैंने समझाया था वो आपको ध्यान रहे, इसलिए फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए, सांस मैंने बाहर निकाला और मेरा पेट अंदर गया, फिर मैं इंतज़ार करूँगा सांस फिर आ जाए, लंग्स भर जाए, ताकि मैं तभी जाकर के दूसरा स्ट्रोक करूँगा। ऐसे जल्दी जल्दी नहीं, वो गलत होगा, उससे मेरे हार्ट पे प्रेशर आएगा, वो सही रिजल्ट नहीं लाएगा। पहले मैं सलवासन करूँगा, जिसमें कि पाँव पीछे की तरफ मुड़ेगा, जो कि लंबर रीजन पर काम करेगा। फिर स्पाइनल ट्विस्ट वक्रासन करूँगा, ध्यान दीजिए। थोड़ी जमीन से लगा लीजिए और हाथ रिलैक्स व्यवस्था में, या हाथ को यहाँ भी डाल सकते हैं, जिससे कि सपोर्ट मिले। पाँव को सीधा उठाइए, घुटने में सीधा हो, ध्यान सांस पर, सांस के लिए। दूसरा पांव उठाइए, ध्यान सांस पर, सांस के लिए। धीरे से छोड़िए और रिलैक्स को, ध्यान सांस पर, सांस के लिए। महसूस करिए सांस को, तो अपने शरीर के हर अवयव पर ध्यान दीजिए। महसूस करिए घुटने किस तरह रहे, महसूस करिए दाहिने घुटने और बाएं घुटने के बीच में क्या फर्क है, महसूस करिए दाएं एंकल और बाएं एंकल में कैसा फर्क है, महसूस करिए कि दाएं पांव किस तरह रखा हुआ है, बाएं पांव किस तरह रखा हुआ है। आप अपने इस हिस्से को महसूस करिए और एडजस्ट करिए और रिलैक्स करते जाइए। जब आपकी सांस नॉर्मल हो तब आप फिर से इस आसन को कर सकते हैं। सांस को सांस लीजिए, जरूरी नहीं कि आप ऊपर उठा पड़े, आप इतना ही उठा सकते। आइडिया यह है कि हम इस हिस्से पे कार्य करें जिसे नंबर कहते हैं। अब अभी हमने इस हिस्से पे कार्य किया जिसको लंबर कहते हैं, स्पाइन का ही हिस्सा। अगर इससे रिलेटेड कोई तकरार हो तो उसके करने से वो निकल जाती है। अब हम पीछे से स्पाइन को ट्विस्ट देंगे, इसी तरह लेट जाना है सर, एक पांव उठाना है और इसे दूसरी तरफ जाना है। आप हाथ ऐसे कर लीजिए, ध्यान सांस पर, आंखें बंद, सांस के लिए। सर दूसरी तरफ, पांव उठाइए, ले जाइए, धीरे से छोड़ दीजिए। ध्यान सांस पर, ध्यान रहे कि जबरदस्ती नहीं करना है। आपको फोर्स नहीं करना है, जो भी करे पर जबरदस्ती ना करे, जितना आसानी से हो सके, क्योंकि योग का सिद्धांत फिर सुखम आसन है। स्टडी जो पोज है उसी में आनंद है, इसकी फिलॉसफी को समझना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।